और तो पहले ज़िंदगी अच्छी थी, अभी तो ऐसे बन गए जैसे अब तो ठीक मांगने वालों के बराबर ही हो गया। मेरा नाम बशीर अहमद है, तो मैं आता हूँ गुलिस्तानी जौहर से। कच्ची आबादी है, यानी बिल्कुल कच्ची आबादी है, किराए का मकान होता वो भी नहीं, बिल्कुल झोपड़ी में रहता हूँ। उम्र तो मेरी 50 से भी ऊपर है, 60 का होने वालों में, 68 की मेरी पैदाइश है। पहले कलर का काम करता था, पालक का काम करता था, उधर से मेरे को हुई है लड़की। आप चेक भी कर सकते हैं पूरे जिसम पे, अगर दिखाना चाहो मैं दिखा भी सकता हूँ। मैंने इसे 8-10 साल हो गए, ये तो मजबूरी से काम कर नहीं सकता। अब मैं यही है कि गुब्बारे बेचता हूँ, चलो कुछ इधर से कोई मदद कर जाता है तो कोई गुब्बारे ले जाता है, तो मेरा घर का दाल रोटी चल जाती है। सात बच्चे हैं मैंने मेरे, उसके बाद 3 बेटे हैं, 4 बेटियाँ। एक काम सीख रहा है, एक बिल्कुल छोटा है, बच्चियाँ भी 2 छोटी हैं, और बड़े 2 हैं वो भी काम कर, एक बेटा काम कर रहा है, बेटियाँ घर पे ही हैं। घर का कोई कढ़ाई का कोई तकिया बना लिया, यानी इस तरीके के घर के काम कर लेती हैं। वाइफ मेरी घरों में काम करती है, तब जाके दाल रोटी चल जाती है। मैंने अगर ये बड़ा वाला जो आपने देख रही हैं गुब्बारा, ये लगा हुआ है, ये हमें 20 रुपए का 25 रुपए का पड़ जाता है किराए के साथ, यानी आना जाना किराए के साथ पड़ जाता है। तो हम 50 का बोलते हैं तो कोई 50 भी नहीं देता, कोई 20 दे जाता, कोई 30 दे जाता, कोई 50 भी दे जाता, कोई 100 भी दे जाता, सीधी बात कोई मदद कर जाता है, ये इस तरीके से समझ लो। तो सर्किट फिर गुजारा हो जाता, कभी कभार नहीं भी बिकते तो ज़ाहिर है किराया भी वापसी का नहीं होता, तो परेशान होता है बंदा। मुश्किल हो गई है, बहुत मुश्किल हो गई, महंगाई इतनी हो गई है कि अगर मैं आटा लूँ तो घी नहीं होता, घी लूँ तो चीनी नहीं होती, चीनी लूँ तो पत्ती नहीं होती, सब्ज़ी लूँ दूध लूँ क्या क्या करूँ, कहाँ कहाँ बंदा पूरी कर रहा है। बंदा जाए तो जाए कहाँ कहाँ। मैंने ये 26 वाला सिग्नल है, 26 स्ट्रीट, तो मैं आता हूँ कभी 1 बजे भी आ जाता हूँ, जिस दिन गुब्बारे लेने ना जाओ गया हो तो फिर 1-2 बजे आ जाता हूँ, मैं 4 बजे भी आ जाता हूँ, होता मगरब तक हूँ मैं, इसके बाद चला जाता हूँ मैं। तो सुबह 11 बजे दुकान खुलती है तो मैं उधर शॉप पे जाता हूँ, उधर से लेके 1 बजे तक घर वापस, ज़ाहिर घंटा बस का आने का, घंटा उधर रुकने का, घंटा आने का 1-2 बज जाते हैं। उसके बाद खाना वाना घर में पकता है तो खा के फिर इधर आता हूँ, ज़ाहिर इधर भी आते आते घंटा 1.5 लग ही जाता है। बस वहाँ पर बैठना, पैदल चलना, टाइम तो लगता ही है ना, फिर बंदा क्या करे, फिर रोज़ी तो करनी है ना। बहुत मुश्किल होती है, मैंने बहुत मुश्किल होती है, बसों पे आना, किराया भरना, 60-70-100 रुपये किराया लग जाता है, और हर बस का इंतज़ार करना, फिर इस रात पे पैदल चलना, बहुत सारे मसाइल होते हैं। मैंने आप देख तो रही हैं मैं इधर बैठता हूँ, लेकिन मसला ये है मैंने के इधर पुलिस वाले भी तंग करते हैं, DH वाले भी तंग करते हैं, ज़ाहिर हर बंदा तंग तो करता ही है, मजबूरी है, बैठना पड़ेगा, गालियाँ भी देते हैं, कुछ भी करते हैं, सुननी पड़ती हैं, गरीब आदमी फिर जाए काका। लोगों को मैं पैगाम यही देना चाहता हूँ कि मैं गरीब आदमी मेरी दवाई लेके दे दें, मुझे पैसा ना दें, मुझे घर का राशन लेके दे दें, और मुझे दवाई लेके दे दें, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर हो सके तो मेहरबानी कर दें, ना हो सके तो फिर भी उनकी मेहरबानी।